हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे ARLP का जो CBT 2 का ट्रेड ओरिएंटेड एग्ज़ाम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो पेपर होगा उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, MCQs, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो आइए देखते हैं। सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर या CR सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो बना होता है। ऑप्शन है उच्च तापमान सामर्थ्य का, उच्च पावर सामर्थ्य है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। जो या CR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। थायरिस्टर फैमिली में SCR आता है, डायक आती है, ट्रायक आता है, ये सब थायरिस्टर फैमिली की डिवाइसें होती हैं। तो ये इनमें जो SCR में होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई पावर दोनों होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। SCR के टर्मिनल होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के टर्मिनल होते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक गेट टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है और कैथोड होता है। तो तीन टर्मिनल होते हैं। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? एनोड, कैथोड, गेट, डी पार्ट हो जाएगा। थायरिस्टर का सदस्य नहीं है। थायरिस्टर फैमिली में SCR आता है, GTO आता है, ट्रायक आता है, BJT नहीं आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ये जो जितनी भी डिवाइसें लिखी हुई हैं यहाँ पर, UJT, पावर डायोड, डायक, ट्रायक, SCR, ये सारी की सारी थायरिस्टर फैमिली में आती हैं, BJT को छोड़कर। निम्न में से किस विद्युतीय युक्ति इलेक्ट्रिक डिवाइस की आंतरिक संरचना में चार परतें नहीं होती हैं? तो चार लेयर किस में नहीं होती हैं? तो डायक में और ट्रायक में। कितनी लेयर होती हैं? डायक में पांच लेयर होती हैं, ट्रायक में पांच लेयर होता है, या SCR चार लेयर होता है और UJT में दो लेयर होता है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? आंतरिक संरचना में चार परतें नहीं होती हैं, ये गलत दिया हुआ। चार परतें एक्चुअली होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया है। तो चार परतें होनी चाहिए, तो चार परतें किस में होती हैं? चार लेयर वाली डिवाइस SCR होती है। UJT क्या होती है? डबल लेयर वाली डिवाइस होती है। बाकी डायक और ट्रायक क्या होते हैं? पांच पांच लेयर वाली डिवाइस होती है। इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ UJT क्या है? UJT में तीन टर्मिनल होते हैं और ये गलत लिखा हुआ है। UJT में पांच लेयर नहीं होते हैं। UJT में कितने? तीन टर्मिनल, दो लेयर और एक जंक्शन होता है। निम्न में से किस विद्युतीय युक्ति की आंतरिक संरचना में दो परतें होती हैं? देखिए, अब यहाँ पे आ गया UJT जो होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें दो लेयर होता है, तीन टर्मिनल होता है और एक जंक्शन होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट। यहाँ ऊपर वाले में गलत दे दिया है, उसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। डायक की विशेषता बताने वाली सही विकल्प को चुनिए। इनमें तीन टर्मिनल होते हैं, गलत हो गया, गलत है। यह बिना गेट टर्मिनल वाली ट्राई के समान होता है और यह एक बाई डायरेक्शनल युक्ति है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या सही है? इसमें डायक की विशेषता क्या सही होनी चाहिए? बिना गेट की ट्राई होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, ये भी सही है। इनमें टर्मिनल तीन होता है, ये गलत दिया हुआ है। डायक में दो टर्मिनल होता है, ट्रायक में तीन टर्मिनल होता है। तो डायक की विशेषता क्या है? बिना गेट के ये, इसको ट्रायक भी बोलते हैं और ये बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये बी और सी सही है, बाकी एक गलत दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है डायक की विशेषता, डायक में तीन टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होगा डायक में, गलत लिखा हुआ है। यह बिना गेट
का ट्रैक बोला जाता है, बाइडायरेक्शनल है, ये भी सही है। पांच लेयर की डिवाइस है, ये भी सही है। यह फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कंडक्शन ऑपरेट करती है, ये भी सही है। ये सारा लिखा हुआ है, वो ऊपर गलत लिख दिया हुआ है उनमें से। क्या गलत लिखा हुआ है? ये तीन टर्मिनल होते हैं, डायक में दो टर्मिनल होते हैं, ट्रैक में तीन होता है। ट्रैक को नियंत्रित करता है, ट्रैक क्या है? ट्रैक क्या है? एक करेंट कंट्रोल डिवाइस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ट्रैक क्या करती है? गेट के द्वारा करंट कंट्रोल करती है। गेट टर्मिनल जो होता है वो कंट्रोल करने के लिए ही होता है। बाई डायरेक्शनल युक्ति नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए, डायक है, बाई डायरेक्शनल ट्रैक भी है, एसईआर नहीं है। एसईआर जो है ये यूनि डायरेक्शनल युक्ति है। सिर्फ किस में काम करता है एसईआर? फॉरवर्ड बायस में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एसईआर जो है ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं है। एसईआर बना होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है, बना होता है जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, कार्बन का, इनमें से कोई नहीं। तो जो एसईआर होता है इसका नाम ही होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो सिलिकॉन का ही बना होगा, जब नाम में ही सिलिकॉन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। एसईआर में जंक्शन होता है, तो एसईआर में कितने लेयर होते हैं? एसईआर में चार लेयर होते हैं, चार लेयर। तो जंक्शन कितना बना? J1, J2 और J3। चार लेयर है तो कितने जंक्शन होंगे? तीन जंक्शन होंगे। इसका आंसर कौन सा होगा? बी पार्ट हो जाएगा। जब जब ट्रांजिस्टर को, दो ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक इसके समांतर में, एक दूसरे के समांतर विपरीत क्रम में ऐड करते हैं, एक PNP रहेगा तो दूसरा NPN ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? यही SCR बन जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 10 का, तीन जंक्शन होते हैं, बी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बना के दिखाया भी हुआ है डिटेल में। जो SCR होता है यूनि डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल, तीन जंक्शन होते हैं, चार लेयर होता है और तीन टर्मिनल होते हैं, गेट होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है। SCR जो है किसका मिश्रित रूप है? तो सिलिकॉन रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर जो है इसका नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का तो होगा ही मिश्रित, और किसका है? ट्रांजिस्टर का, क्योंकि SCR जो है वो ट्रांजिस्टर से ही मिलके बना होता है। तो एक रेक्टिफायर हो गया और एक ट्रांजिस्टर हो गया। इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन सही है, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर। SCR को टर्मिनल से नियंत्रित किया जाता है। SCR में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? गेट होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है। तो जो गेट टर्मिनल पे होता है, गेट टर्मिनल होता है, इसी से कंट्रोल किया जाता है, टर्न ऑन किया जाता है। गेट टर्मिनल पे क्या इनपुट वोल्टेज दे के टर्न ऑन करते हैं, फिर इसी से गेट करंट को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेट टर्मिनल से कंट्रोल किया जाता है। SCR के बंद होने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, शून्य, लो लीकेज करंट, हाई लीकेज करंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो SCR चल रहा है, ऑन है, चल रहा है और बंद कर दिए, तो कुछ ना कुछ करंट तो रहेगी ही। जब ऑन ऑन मोड में चल रहा है, तो जब अचानक बंद कर देंगे तो उसमें लो लीकेज करंट रहेगी। एकदम सप्लाई दी ही नहीं गई है, तो ऑन नहीं हुआ है तो करंट तो जीरो होगी, लेकिन चल रहा है और बंद कर देंगे तो उसमें लो लीकेज करंट कुछ रहेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ट्रैक में टर्मिनल होता है। अब देखिए ट्रैक क्या है? ट्रैक एक फाइव लेयर की डिवाइस होती है। ट्रैक फाइव लेयर की डिवाइस होती है, और क्या होता है? ट्रैक में एक गेट टर्मिनल होता ही है, इसे गेट टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, दो मुख्य टर्मिनल होते हैं इसके ट्रैक में, T1 होता है और T2 यहाँ पे होता है, दो मुख्य टर्मिनल होते हैं, एक गेट टर्मिनल होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन, किसका
कितने जंक्शन हो गए ट्रैक में? पांच लेयर हैं तो चार जंक्शन हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? एक गेट टर्मिनल और दो मुख्य टर्मिनल। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ट्रैक का यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, दिखाया है कि एक गेट टर्मिनल होता है और दो मुख्य टर्मिनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल, दोनों मोड में काम करती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में। अगला है यूजेटी। यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में पी टाइप का जो मटेरियल हो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, उसको कैसी डोपिंग करते हैं? लाइटली, मॉडरेटली या हेविली? तो पी टाइप का जो मटेरियल होता है यूजेटी में, उसको हाईली डोप्ड करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूजेटी दिखाया है। यूजेटी में क्या होता है? एक ई टर्मिनल होता है, इमीटर टर्मिनल होता है, दो बेस टर्मिनल होते हैं। इसे डबल बेस डायोड भी कहा जाता है, डबल बेस डायोड। डबल बेस डायोड क्यों कहते हैं यूजेटी को? क्योंकि इसमें दो बेस टर्मिनल हैं, B1 और B2, दो टर्मिनल हो गए तो डबल बेस हो गया, तो डबल बेस डायोड कहते हैं इसको, यूजेटी को। ये सिर्फ एक एक ही मोड में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। यूजेटी को कहा जाता है, 16 नंबर क्वेश्चन है, यूजेटी को कहा जाता है निम्न प्रतिरोधक डायोड, उच्च प्रतिरोधक डायोड, एकल आधार डायोड, दोहरा आधार डायोड। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अभी हमने बताया कि इसको डबल बेस डायोड कहते हैं, क्योंकि बेस टर्मिनल यहाँ पे दो होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। यहाँ पे SCR एक ट्रिगर युक्ति है। तो SCR क्या है? यहाँ पे SCR एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी सिलिकॉन क्या है? एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होगा, वो वोल्टेज और करंट दोनों ट्रिगर युक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। विद्युतीय युक्ति जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो गेट टर्मिनल किस में नहीं होता? डायक में नहीं होता है गेट टर्मिनल, डायक में दो ही टर्मिनल होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट। ट्रैक में तीन टर्मिनल होता है, या सीआर में भी तीन होता है, फेट में भी तीन होता है। फेट में कौन कौन सा टर्मिनल होता है? फेट में होता है, या फिटी फेट में होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। इसमें दो टर्मिनल होता है, ये बना के दिखाया हुआ है, मेन टर्मिनल M2 M1 दो होता है, और ये ट्रैक होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गेट टर्मिनल को ऐड कर देते हैं, ट्रैक बन जाता है। इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसमें दो टर्मिनल होता है, तो दो टर्मिनल किस में होता है? यही डायक है। डायक में क्या नहीं होता? गेट नहीं होता है, दो हो गया आंसर ए पार्ट। यूजेटी, यूजेटी में यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में जंक्शन होता है, तो यूजेटी दो लेयर की डिवाइस होती है। जब दो लेयर होंगे तो जंक्शन एक ही होगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक जंक्शन होता है ए पार्ट यूजेटी में। यूजेटी का जो निगेटिव रेजिस्टेंस किन बिंदुओं के बीच में होता है? तो यूजेटी का जो निगेटिव रेजिस्टेंस होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस वाली डिवाइस है, तो ये शिखर बिंदु, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस। इसका आंसर कौन सा होगा? सी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, निगेटिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पीक वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे वैली वोल्टेज, और ये जो ग्राफ बन रहा है, यही क्या है? निगेटिव रेजिस्टेंस का ग्राफ है। निम्न युक्तियों में निगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण होता है, तो जो टनल वो डायोड होती है, टनल डायोड होता है, यूजेटी होता है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये टनल डायोड और यूजेटी, ये दोनों में क्या होता है?
निगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। डायोड में नहीं होता है निगेटिव रेजिस्टेंस, टनल डायोड और यूजेटी में होता है।